साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की कुलसुम नवाज की कब्र पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, दर्जात की बुलंदी और इसाले सवाब के लिए दुआ भी की गई। वालिदा बेगम शमीम अख्तर भी हमरा थी। बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ अरसला रफीक भट्टी से। भट्टी साहब आगाह कीजिएगा। जी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ जो हैं आज अपनी अहलिया की कब्र पर गए, वहाँ पर उनके साथ उनकी वालिदा मोहतरमा मोहतरमा बेगम शमीम शरीफ भी थी, वो भी थी, वहाँ पर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने अपने सबसे पहले अपने वालिद की कब्र पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई, फिर अपने भाई की कब्र पर भी हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई, उसके बाद अपनी अहलिया की कब्र पर भी फूलों की चादर चढ़ाई और उसके बाद उन्होंने तीनों मरहूमीन की मगफिरत और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की। इस मौके पर उनकी वालिदा जो थी, उनकी जो थी बहुत ज़्यादा गमगीन लग रही थी बेगम शमीम, और उनकी वो खासा जो है उनकी परेशान और गमजदा उनका चेहरा लगा, और मियाँ नवाज शरीफ भी बहुत गमजदा और बहुत जो थे संजीदा उनका चेहरा रहा, और वो काफ़ी उन्होंने अपने आप पर जब्त किया, लेकिन फिर भी उनकी आंखों से कुछ आंसू जो है वो जरूर छलके। उनके के जो करीबी लोग थे वहाँ पर उनके साथ जो है अब्बास शरीफ साहब मरहूम के जो बेटे थे दोनों गए, उन्होंने उनको सहारा दिया और वो वापस थोड़ी देर के बाद जो है उनको वापस जाती उम्र रिहाइश के अंदर वापस ले गए। जी शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी अपडेट करने के लिए।